काम है। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आई वेलकम यू इन टुडेज इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू लेसन नेम्ड लॉस्ट स्प्रिंग। Under this lesson, we will study the stories of the stolen childhood, written by Anish Jung. Today, I shall start its first part. Now, first of all, let us know a little bit about the author Anish Jung. Anish Jung, born in 1964, she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. अब देखिए बच्चों, जो अनीस जंग हैं, ये इनका जन्म 1964 में हुआ था और राउरकेला में इनका बचपन और युवावस्था बीती। तो ये जो है, इनके माता पिता वो भी राइटर थे। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ली। फिर उसके बाद इन्होंने अपना कैरियर राइटिंग में ही शुरू किया और ये कई बहुत अच्छे बड़े बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर और कॉलमनिस्ट रहीं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो ये था अनीस जंग के बारे में थोड़ा सा। अब हम अपने लेसन के बारे में शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अनीस जंग्स बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी कंक्लूड्स दैट द अटर पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस condemn these children to a life of exploitation. Anish Jung highlights the utter destitution of rag pickers of Simapuri and the bangle makers of Firozabad. देखिए बच्चों, जैसा कि कहानी के नाम से पता चल रहा है, Lost Spring. Spring एक पूरे वर्ष का सबसे खूबसूरत मौसम होता है और उसके आगे उन्होंने लिखा है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब जो अच्छा मौसम है वो खो गया है। तो ये बच्चों, उन बच्चों के बारे में है जो अपना बचपन खो देते हैं और बचपन से ही पैसे कमाने में लग जाते हैं, क्योंकि ये उनकी आवश्यकता है। और यहाँ पर दो बच्चों की कहानी बताई गई है। एक है रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मतलब जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे होते हैं वो, और दूसरा है बैंगल मेकर। बैंगल मेकर यानी जो चूड़ियाँ बनाने वाला है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये एक पहली कहानी है कि कभी कभी मुझे एक रुपया कूड़े में से मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं साहेब से पूछा करती थी जब वो सवेरे आकर के कूड़े में सोना खोजने की कोशिश करता था। ऐसा लगता था कि उस कूड़े की ढेर जो मेरे घर के पड़ोस में पड़ा है, उसमें कहीं सोना छिपा हुआ है और साहेब नाम का एक लड़का आता है और उसको ढूंढता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो सेट amidst द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे
their fields and homes. His mother tells him, that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say, glibly, relishing immediately how hollow the advice must sound. अब इसकी वोकैबलरी में देखिए, गार्बेज का अर्थ होता है रबिश या वेस्ट, स्पेशली डोमेस्टिक रेफ्यूज, कूड़ा कचरा जिसको हम कहते हैं. एनकाउंटर का अर्थ है टू मीट, मिलना या भेंट होना. स्क्राउंजिंग, सीकिंग थिंग्स ऑफ अदर्स, हड़पना. डम्स, हीप्स, ढेर. नेबरहुड, अ विसिनिटी, पड़ोस. लॉन्ग एगो, मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत पहले. एमिड्स, ऑल्सो, एमिड, मिड. इन द मिडल ऑफ, के बीच में. स्वेप्ट अवे, क्लियर्ड अवे विद, साफ कर दिया. लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, की तलाश करने के लिए. मटर्स, सेज इन अ बैरली ऑडिबल वॉइस, बुदबुदाना या फुसफुसाना. ग्लिबली, आर्टिक्यूलेटली बट इनसिंसियरली, सहज भाव से. हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. एडवाइस हैड नो सब्सटेंस, सलाह में कोई दम नहीं है. अब इसका हिंदी अनुवाद, कभी कभी मैं कचरे में रुपया पा लेता हूँ. साहब रोज़ाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है. वह मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता है. मैंने उससे पूछा, तुम यह काम क्यों करते हो? साहब ने अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया था. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसे अपने घर की याद उसे बिल्कुल नहीं आती. उसकी माँ उसको बताती है कि बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घर और खेत तबाह कर दिए. यही कारण है कि वे वहाँ से छोड़कर सोने की खोज में बड़े शहर में आ गए, जहाँ वे अब रहते हैं. दूसरी ओर देखते हुए वह बुदबुदाया, मेरे पास इसके अलावा करने को और कुछ नहीं है. स्कूल जाओ, मैंने सहज भाव से कहा, और मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरी सलाह में कोई दम नहीं है. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. इसमें देखिए vocabulary में embarrassed, ashamed, लज्जित होना. That was not meant. That was false. जो झूठा था. Abound, exist in large numbers. बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान है. Bleak, dreary, कठोर, रूखा. अनुवाद है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. जब वहाँ बन जाएगा मैं जाऊँगा. मैंने वैसे ही मजाक करते हुए पूछा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? पूरी मुस्कान के साथ वह कहता है हाँ. कुछ दिन पश्चात मैंने देखा कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास तक आया. क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? मैंने अपने झूठे वादे पर लज्जित होते हुए कहा, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है. पर उसके रूखे जीवन का हर कोना ऐसे वादों से भरा था जैसा मैंने उससे किया था. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम. साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग,
Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. "Why aren't you wearing chappals?" I ask one. "My mother did not bring them down from the shelf," he answers simply. Announces, tells, ya batata hai. Lord of the universe, dunya ka malik. A hard time, a difficult time, kathin samay. Unaware, having no knowledge, agyani. Roams, wanders about, ghoomta hai. Barefoot, with no shoes, nange pair. Disappear, cease to be visible, dikhai nahi dete. Recognize, know again, punah janana, punah pehchanna. Shelf, a flat length of wood or rigid material attached to a wall. Tarn. अनुवाद इस प्रकार है इस पैराग्राफ का. उसे जानने के कई महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा. वह बतलाता है साहेब आलम. वह इसका अर्थ नहीं जानता. यदि वह इसका अर्थ जानता, दुनिया का मालिक, जिस पर उसे विश्वास करना मुश्किल होता. अपने नाम के अर्थ से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, जो नंगे पैर फिरने वाले लड़कों की एक सेना है, जो सुबह की चिड़ियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं. महीनों बाद मैं उन सब को पहचानने लगी थी. मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मेरी माँ उनको टांड से नीचे नहीं उतारती. तो बच्चों, ये थी लॉस्ट स्प्रिंग की शुरुआत, कि किस तरह से साहेब आलम नाम का बच्चा, जिस नाम का अर्थ होता है कि पूरी दुनिया का मालिक, और वो दुनिया का मालिक नंगे पैर गलियों में टहल रहा है और कूड़े बिन रहा है अपने बचपन में. ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है उस बच्चे का, हम सब का. इसलिए ये कहानी आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू चिल्ड्रन. शोभा.